आज जिस टॉपिक पे हम लोगों को डिस्कशन करना है बेसिकली ये है तात्या टोपे। तात्या टोपे के विषय में यदि हम बात करते हैं और समझते हैं तो वास्तव में तात्या टोपे 16 फरवरी 1814 में उनका जन्म हुआ था। 18 फरवरी 1859 को उनका देहांत हो गया, या यूं कहें कि उन्हें फांसी पे अंग्रेज हुकूमत ने जो है वो लटका दिया। वास्तव में बेसिकली होता क्या था दोस्तों कि भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे तात्या टोपे, और जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उनमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। स्वतंत्रता सेनानी थे वो देश के, और 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई को मेरठ में से हुई थी। जल्द ही क्रांति की चिंगारी समूचे उत्तर भारत में फैल गई। विदेशी सत्ता का खूनी पंजा मोड़ने के लिए भारतीय जनता ने जबरदस्त संघर्ष किया। उसने अपने खून से त्याग और बलिदान की अमर गाथा लिखी। उस रक्तरंजित और गौरवशाली इतिहास के मंच से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, राव साहब, बहादुर शाह जफर आदि के विदा हो जाने के बाद करीब एक साल बाद तक तात्या विद्रोहियों की कमान संभाले रहे। उनकी मृत्यु धोखे से ओरछा की रानी लड़ाई सरकार ने युद्ध के दौरान करी। तो यदि बात करते हैं उनके परिचय के बारे में, हम यदि बात करते हैं तो ऐसे तो सब उनके परिचय जानते हैं, लेकिन तात्या का जन्म बेसिकली महाराष्ट्र के नासिक के निकट एक गांव है जिस गांव का नाम है दोस्तों येवला। तो येवला नामक गांव में जो है वो एक देशस्थ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पिता का नाम जो है पांडुरंग राव भट्ट था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो है कर्मचारी थे हुए। बाजीराव के प्रति जो है स्वामी भक्त होने के कारण वे बाजीराव के साथ 1858 में बिठूर चले गए, और जो है उसके बाद यदि तात्या टोपे के परिवार में कितने उनके भाई बहन कितने थे तो बेसिकली उनके 8 भाई बहनों में तात्या सबसे बड़े थे। कुछ समय तक जो है तात्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल की तोपखाना रेजिमेंट में काम भी किया था, परंतु जो है स्वतंत्र चेतना और स्वाभिमानी तात्या के लिए अंग्रेज की नौकरी जो है करना उनको वो रास नहीं आया। इसलिए बहुत जल्दी उन्होंने नौकरी से छुटकारा पा लिया और बाजीराव की नौकरी में वापस चले गए। कहा जाता है कि तोपों में के कारखानों या तोपों में नौकरी के कारण ही उनके नाम जो है टोपे जुड़ा, परंतु कुछ लोगों का इस संबंध में अलग जो है विचार है। कुछ लोगों का ये कहना है कि बेसिकली जो है बाजीराव ने तात्या को एक बेशकीमती और नायाब को टोपी दी थी, और जिसको तात्या जो है हमेशा पहना करते थे, बड़ी चाव से पहनते थे उसे, तो उनका नाम इस वजह से जो है तात्या टोपे पड़ गया। तो इस वजह से उनका नाम जो है तात्या टोपे पड़ गया। यदि 1857 के रिवोल्ट के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे तो 1857 के विद्रोहियों की लपेटे जब कानपुर पहुंची और वहां के सैनिक ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित किया तो तात्या टोपे ने कानपुर के स्वाधीनता स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाया। तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया था। जब ब्रिगेडियर जनरल हेवलॉक की कमान में अंग्रेज सेना ने इलाहाबाद की ओर कानपुर पर हमला किया तब तात्या ने कानपुर की सुरक्षा में अपना जी जान लगा दिया, परंतु 16 जुलाई 1857 को उनकी पराजय हो गई और उन्हें कानपुर छोड़ देना पड़ा। शीघ्र ही तात्या टोपे ने अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किया और कानपुर से बाहर जो है 12 मील दूर चले गए, जहां पे जिस जगह का नाम था बिठूर।
तो बिठूर पहुंचे और यहां से कानपुर पर हमला का मौका खोजने लगे। इसी बीच जो है हेललॉक ने अचानक ही बिठूर पर आक्रमण कर दिया और यद्यपि तात्या बिठूर की लड़ाई में पराजित हो गए, परंतु उनकी कमान जो है भारतीय सैनिकों ने इतनी बहादुरी दिखाई थी और बहादुरी का प्रदर्शन किया था जिसे अंग्रेजी सेनापति देखकर प्रसन्न सा करनी पड़ी थी उसे। बेसिकली यदि तात्या के जीवन के बारे में और भी गंभीरता से देखें गाइस, तो तात्या एक बेसिकली वो जो थे वो बेजोड़ सेनापति थे। पराजय से विचलित न होते हुए बिठूर से जो है राव साहब सिंधिया के इलाके में पहुंचे और वहां से ग्वालियर जो है कंटीजेंट नाम की एक प्रसिद्ध सैनिक टुकड़ी को अपने ओर मिलाने में सफल हो गए। वहां से एक बड़ी सेना के साथ कालपी पहुंचे। नवंबर 1857 में उन्होंने कानपुर पर आक्रमण कर दिया। मेजर जनरल विंडर के कमान में कानपुर की सुरक्षा के लिए स्थित अंग्रेजी सेना तितर बितर होकर भागने लगी, परंतु यह जीत थोड़े समय के लिए था। बाद में फिर से ब्रिटिश सेना प्रधान सेनापति सर कार्डिन कैंपबेल ने तात्या को 6 दिसंबर को पराजित कर दिया। इसलिए तात्या टोपे खाड़ी चले गए और फिर नगर पर कब्जा हो गया। प्राप्त किए अनेक तोप और 3 लाख रुपये प्राप्त किए जो सेना के लिए जरूरी था। इसी बीच 23 मार्च को सर हयूरोज ने झांसी पर घेरा डाला। ऐसे नाजुक समय में तात्या टोपे करीब 20,000 सैनिक के साथ जो है रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए पहुंचे। ब्रिटिश सेना तात्या टोपे और रानी की सेना से घिर गई। अंततः रानी की विजय हुई। रानी और तात्या टोपे इसके बाद कालपी पहुंचे। इस युद्ध में तात्या टोपे को एक बार फिर से हयूरोज के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है, बिकॉज तात्या टोपे जो थे वो रानी लक्ष्मीबाई का भी मदद किया था और ये एक बहुत बड़े सेना नायक थे। तो ये जीवनी है तात्या टोपे का। तात्या टोपे की यदि बात करें कुछ जीवन से जुड़े हुए कि वास्तव में तात्या टोपे के घोड़े का क्या नाम था, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो वो क्लियर करने के लिए दोस्तों चलते हैं हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए। आज हम देखेंगे कि तात्या टोपे के घोड़े का क्या नाम था। तात्या टोपे का जन्म जो 1814 में एक मराठी परिवार में हुआ था, उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, हालांकि लोग उन्हें तात्या टोपे के नाम से बुलाते थे। दोस्तों यदि बात करते हैं हम कि तात्या टोपे की फांसी कब दिया गया, तो वही तात्या टोपे ग्वालियर के पास जो है शिवपुरी के जंगल में थे, तब उनकी मुलाकात जो है नरवर के राजा जो है मान सिंह से हुआ। मान सिंह उनके बारे में जानकारी ब्रिटिश को दे दिया था दोस्तों, और 7 अप्रैल 1869 को तात्या टोपे की शिवपुरी लाया गया और उन्हें जो है शिवपुरी गांव लाया गया और 10 दिनों के बाद जो है 18 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। अब बात कर देते हैं दोस्तों कि तात्या टोपे को फांसी क्यों दी गई। वास्तव में तो आप लोग को पहले जैसे बताया है कि तात्या टोपे एक वीर जो है क्रांतिकारी विचार रखते थे और काफ़ी अंग्रेज के नाक में दम कर रखा था, तो इस वजह से जो है तात्या टोपे एक ऐसे महायोद्धा थे जो कानपुर की जमीन से अंग्रेजों को जो है चना चबा रहे थे। राजा मान सिंह ने विश्वासघात किया था तात्या टोपे के साथ और फिर जो है इस वजह से ही 18 अप्रैल 1859 को अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दिया था। फ्रेंड्स यदि बात करते हैं कि तात्या टोपे का जन्म कहाँ और कब हुआ, तात्या टोपे का जन्म जो है 1814 में महाराष्ट्र के नासिक जिले के जो है येवला नाम के एक गांव में हुआ था, जो माना जाता है काफ़ी छोटा गांव था, लेकिन तात्या टोपे जी का जन्म और जो है उनका जो साहस और पराक्रम था वो काफ़ी जो है का तारीफ करने वाला बात था। तो फ्रेंड्स तात्या टोपे के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जो है मिल सके। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।